अब होंगे आपके सपने साकार एपीएस स्कूल में आकर। पायल हॉस्पिटल द्वारा संचालित आपका अपना एपीएस स्कूल, प्रवेश परीक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था, नवोदय सैनिक और मिलिट्री की विशेष तैयारी हेतु चढ़ावा शहर में सबसे अच्छा स्कूल, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। तो देरी किस बात की, आज ही करवाई अपने लाडलों का एडमिशन, खेतड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास चिड़ावा। चिड़ावा नगर पालिका पर शहरी नरेगा कर्मियों का प्रदर्शन। अधिकारियों को नरेगा कर्मियों ने सुनाई खरी खोटी, बोली पैसे पूरे नहीं देते, पानी और छाया भी नहीं मिलती, जरा सी देरी होते ही लगा देते हैं अनुपस्थिति। करीब एक डेढ़ घंटे तक करती रही महिलाएं प्रदर्शन। बाद में पालिका अध्यक्ष सैनी ने समझाइश कर कराया मामला शांत। नरेगा कर्मियों के समय परिवर्तन के लिए लिखेंगे कलेक्टर को। चिड़ावा नगर पालिका का सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, आए दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन और विरोध देखने में आ रहा है। आज एक बार फिर नगर पालिका कार्यालय पर शहरी नरेगा कर्मियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। करीब एक से डेढ़ घंटे तक शहरी महिलाएं नरेगा कर्मियों ने प्रदर्शन किया और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। नरेगा कर्मियों का आरोप था कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार की गारंटी दी है, लेकिन चिड़ाव में यह गारंटी फेल है। ना तो पूरी मजदूरी मिलती है और गंदगी भी उठवाई जाती है। वही जहां पर काम दिया जाता है वहां पर ना छांव है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। सुबह 6 बजे से काम पर बुलाया जाता है, कोई महिला कर्मी थोड़ी भी लेट हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति लगा दी जाती है, जबकि महिलाएं अपने घर के रोजमर्रा के काम निपटा कर आती है। काफी देर तक प्रदर्शन के बाद चेयरमैन सुमित्रा सैनी पहुंची, जिन्होंने सभी को समझाइश और उन्हें शांत कराया। चेयरमैन ने बताया कि वे कलेक्टर को लिखकर इनका समय परिवर्तन करने के लिए निवेदन करेंगी। हमारा 2 छुट्टी हो जाती है इतवार की, तो 13 दिन तो हमारा रहता है, तो 13 दिन में हमारा क्या, तो 2500 रुपया या 2600 रुपया या 2400 रुपया या 2000, इनका आगे पैसे नहीं आता हमारा। पूरी हाजिरी एक भी दिन एक घंटा के लिए क्या चंदगी, तो इसको सीधा क्रॉस लगाता है तो हम बच्चा कैसे पढ़ेंगे। तो बुला रहे ना, तो 8 बजे जाती है, 500 रुपया लाती है, ये बोलता 8 बजे ड्यूटी, 500 रुपया देता, 8 बजे ड्यूटी करेंगे हम, 200 रुपया में 8 घंटा क्या करेंगे, ये बताओ तुम। पानी तो अगर कोई बूढ़ी उठाती तो वही आती है बेचारी, जवान वास्ते नहीं चलाई मरेगा, तो बूढ़ी को तो बोलता है तुम घर पे जाओ, गंदगी उठाते क्या, गंदगी उठा दो सर, अरे गंदगी डांट मारता है ऐसे करो खड़ा वाला खोला क्यों, नरेगा काम है, नशे का काम थोड़ी है हमारा, जो नशे का काम करेगा 500 रुपया हम करेंगे, गाड़ी का पूरा 8 घंटा काम लेता है, 200 रुपया में हमारे घाटा, हम क्या खाएंगे बताओ, 200 रुपया बच्चा क्या खाएगा हमारा, और वो भी टाइम पे नहीं आता है, 4 हफ्तों का पैसा हमारा रुका हुआ है, हम क्या खाएंगे। जाके हाजिरी काटे है हमारी, एक तो यहाँ एक रोड के ऊपर गंद, मारो काम खोलना, मारो काम है मुसाला की सफाई करवा लो, फील्ड में सफाई करवा लो, बताई माने आरी पुल कर बाबा हरमिंदर जी, काल में है ना रोड के ऊपर मना कर दी नहीं ना कि भाई यो गंद में कोने ठावा काम को, तो आज ताके है ना हमारे आदरी काटे मजदूरी का कन्या वहां फिर न्यू काके 3 बजे ताई बैठी रोड है, 3 बजे तक कौन सा काई, तो 8 घंटा ड्यूटी ले तो 500 रुपया दे, 8 घंटा तक ड्यूटी कराना, 8 रुपया दे 200 बेटा माई माना है ना, 3 बजे कितना घंटा बता रहे गीता में, 8 से मैं 7 बजे बड़े सब लोग पूछ रहा था हैं, और मारी 6 बजे हाजरी काट के धर्मेंद्र सर और उरागा हैं, फिर मैं उठे गया गया जना एक मेट बैठा बोले आने ते जाओ, बोले मेरी भी हाजरी काट दी, बड़की भी काट दी, घर में सबका बच्चा ही कोई छोटा मोटा, जनानी पूछ सका के 6 बजे 6 बजे पूछ सका के जनानी, बिना बताए 6 बजे पूछ का लोग काटता, हां बिना बताए, पहले बताई कौन बताई, पहले बताई माने नहीं बताई, पानी मिलता है आप लोगों को, पानी नहीं है बड़े टिब्बे पर जाके देख सको मोको ना, कोई पेड़ है और एक टंकी है, टंकी का अंदर थोड़ा सा सिरसिरो करण बना, जल्दी चिल्लाई मारे, क्या काम करवाते आप लोगों से, बस माटी खोद के और खड्डा गिराता है, टिब्बे पर टिब्बे है ना, ऊंचा टिब्बे है नीचे, तो अभी आप लोग नगर पालिका में क्यों आए हो, ऐसे आके हाजरी भी काट दी और 6 बजे नहीं पूछो जा तो मार, 7 बजे आए जाओ, ऐसे आया हाँ और हाजरी भी काट आया, हाँ मैं 8 बजे 7 बजे में काम पर गया, तुम्हारी 6 बजे हाजरी काट की घरी आ गया ये सर जी,
सबकी काट दी, जो मैट लाग रहे उनकी भी काट दी, हमारी भी काट दी। हमारी ड्यूटी कर रही है अब, आज तो करते हैं 7:30 की, लेकिन मैं 7:30 बजे नहीं जावा, क्यों? हमारा गरीब बुढ़ो भी बीमार है, बुढ़ी भी बीमार है, हमारा बच्चा को भी करना पड़ा है, उनका तरखानु भी बनाना पड़ा है। 7:30 से हमारी 7:30 बजे लेके 3 बजे मैं बिठाई रखा कल तो मैं 3 बजे मैं गरी आ बोला बड़ा बड़ा मैट आऊंगा क्या 3 बजे तीन रोते मैं 3 बजे तक उड़ा बैठी रही। लेकिन मैं बताओ दोपहर का हमारे जो जा मैं बीमार हो जावा तिब्बत के ऊपर तो मैं खड़ा कर दिया अगर माटी कुचर कुचर की नीचे गिरो छाम ते बैठो मत कौन की सुबह दिया उठाने तो न्यू बताओ मैं बीमार हो कि मर को नहीं जा के मारा कल दही दरी कौन है मारा 200 रुपया मैं है मैं 200 रुपया में क्या करा मैं बताओ और वे भी को नहीं आई वे रुपया भी को नहीं आई मारा वे भी मारा आज गेरांगा कल गेरांगा आज गेरा कल गेरांगा यहाँ करे हैं मारी 8 से लेकर 1 बजे ताई की इस तो ऊपर मारू ड्यूटी को नहीं होगी ना इस तो पहले मारू जायो जा और मारा पूरा पैसा आना चाहिए जो सरकार ने दे रखा है ना वो पूरा पैसा आना चाहिए मारो बस मैं बताऊ था ऐसी सी बात देखो मैं 7:30 बजे से वहां पर काम पर गई 6 बजे आके धर्मेंद्र जी सबके हाजिरी काट के चल गया क्यों सर हम गरीब लोग है ये सबके लिए हम सविता करना चाहते हैं हमारा कोई सविता के उसके लिए गरीबों के लिए सविता करो हमारे लिए तो बता नहीं ये कैसे आता है 12 बजे कोई मुसीबत में आदमी घर पर चल जाता है उसके भी हाजिरी काट के चल जाता है क्यों तार तब सड़ जाता है बच्चे को बुखार उकार भी आ जाते हैं वो कैसे क्या कहते हैं उसके भी गौर आते हैं एक लुगाई ने एक जगह से 20 जगह उठा के भगाते ऐसे बोले वो काम करो वो काम करो क्यों सर वो कैसे देते हैं उस लुगाई को भैया से बोलो क्या भाई लुगाई काम पर लाद रही है तो वो एक जगह उसको 5 मिनट लेटन को दे सारे दिन में वो काम करो वो जाके काम करो 20 जगह एक लुगाई को उतार के भगा रहे आज क्या बात आज ये बात हो रही है सर क्या सुने हम आज इंदिरा गांधी शहरी योजना के तहत जो मजदूर कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर मिलने के लिए आए उन्होंने कहा कि हमारा टाइम 6 बजे की बजाय 8 बजे किया जाए क्योंकि हम घर का कार्य भी करते हैं और फिर नरेगा पर मजदूरी करने के लिए आते हैं तो उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन हम आगे पहुंचा देंगे कलेक्टर साहब के यहाँ और बात भी सही है कि 6 बजे प्रत्येक महिला अपने कार्य पर नहीं जा पाती है अपने घर का बच्चों का कार्य भी करती हैं तो मेरी भी सरकार से ये गुजारिश है और निवेदन है कि इनका कार्य 1 घंटा तो बढ़ाया ही जाना चाहिए।